अपने आप से बात करते रहो, मेरा रूप सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा, अंदर है, दिखाई नहीं देगा। सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा, मेरे गुण सात दैवी गुण है और पांच आसुरी गुण है। जब मैं परम धाम से आया था कितना पवित्र था, ऐसे मुझे बनना है। जब मैं परम धाम से आया था कितना शांत शीतल था। जब मैं परम धाम से आया सृष्टि पर, क्यों आया? सुख भोगने के लिए, सुख स्वरूप आत्मा हूं। जब मैं आया शिव बाबा ने सर्वशक्तियां दी थी, सहन करने की, समाने की, निर्णय करने, आठ शक्तियां हैं। जब मैं आया क्यों आया था? शिव बाबा ने ज्ञान दिया था, ज्ञानी तू आत्मा हूं। सातवा संतुष्ट आत्मा हूं। छठवा संतुष्ट आत्मा हूं। कोई इच्छा नहीं, ये चाहिए ये चाहिए, इच्छा दुख का कारण है। वस्तु व्यक्ति वैभव यही हमारे अंदर हलचल लाता है। संतुष्ट आत्मा हूं, भरपूर हो। सातवा आनंद स्वरूप आत्मा हूं। एक एक गुण अपने आप को याद दिलाओ, मेरे गुण कौन से है। टॉक टू यू, अंतर्मुखी कहते हैं, अंदर मुख है और बाहर मुख है, बाहर से बोलना, अपने आप को समझाओ मेरे गुण कैसे। फिर मेरे कर्म, मैं क्या करता इस भ्रकुटी में बैठकर, इस आंखों से इधर उधर देखता हूं, लेकिन अभी इधर उधर देखना नहीं, विदेही का शरीर का यूज नहीं करो, अशरीरी बनो। शरीर का उपयोग, आंखों से इधर उधर देखना, शरीर को यूज करना, मुख से बोलना नहीं कुछ, शरीर का काम नहीं। हाँ, बाहर जाने के बाद शरीर का काम करेंगे, अभी शरीर का नहीं। अब मैं आत्मा हूं, इस शरीर को चलाता हूं, लेकिन अभी नहीं चलाना है, विदेही कहा। पांचवा, मैं कहां से आया? परम धाम से आया। परम धाम में कौन है? शिव बाबा के आठ मुख्य शक्तियां है, सर्वशक्तिवान का, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है। हाँ, बाप है, मैं कौन? बाबा ने कहा बच्चे मांगो नहीं, बाप समान बनो। सन शोस फादर, जैसे बाप वैसे बच्चा। तो बैठ के देख लो हमारा बाप परमधाम में कैसा है। देखो पवित्रता का सागर है। अपने आप से बात करो, मैं कैसा हूं, मुझे कैसे बनना चाहिए, कल मुझे कहां जाना है, बाप के साथ जाना है कि बारात के रूप में जाना है। कोई कहेंगे अरे बाप कैसा है, अरे बेटा कैसा है। बाबा मुझे आपके जैसे बनना है, मैं आपके जैसे कैसे बनूं, बात करो। बाबा आप शांति के सागर हो, कभी गुस्सा नहीं करते हो, मैं आपका बच्चा हूं, आज के बाद किसी भी हालत में मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आपके जैसे बन के दिखाऊंगा। बाप चाहता है मेरा बच्चा है मेरे जैसे बने। तो भगवान की इच्छा पूर्ण करने वाला कौन? बच्चे ही करेंगे ना। उनकी भी इच्छा है कि बच्चे मेरे जैसे बने। मैं बच्चों को 21 जन्मों के लिए वर्षा दे दूं, सदा सुखी संपन्न बने। तो उसके लिए अपने आप नहीं, अपने आप से बात करो। तो योग में चुपचाप बैठे रहना, नींद आ जाएंगे, इधर उधर देखते रहना, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नहीं। इसको कहा सभी के मन में एक जैसे विचार चलते हैं, एक संकल्प में स्थित हो जाना। ये संगठन की शक्ति असंभव को भी संभव कर सकती है। ये संगठन की शक्ति किसी आत्मा, जैसे देखो किसी के कैंसर की बीमारी है, 10 लाख 5 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता है, तो सभी मिलके मदद करेंगे ना, एक के पास नहीं है। तो यहां भी किसी की बीमारी, किसी का दर्द, किसी का विघन, कोई भी निवारण करना चाहते हो, शांति की शक्ति है। शांति की शक्ति कहीं मिलती नहीं है, हर एक के पास है, उसका यूज करो आज। तो इसके लिए कहा यहां बैठ के मन में ये संकल्प करो, मन और बुद्धि दोनों चलना चाहिए, दोनों के अंदर शुभ विचार, श्रेष्ठ विचार चले। तो 5 मिनट 10 मिनट तक मन के अंदर शुद्ध विचार है तो इस हॉल में देखना एकदम चुंबक की शक्ति क्रिएट होती है। उसको कहा साइलेंस की शक्ति। यह शांति की शक्ति असंभव को संभव कर सकती है।
तो यही आज हम और आप सब मिलकर गुलजार दादी को क्या देंगे आप? ये शक्ति चाहिए। बाबा तो अपना To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.